हाई कोर्ट डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। आज़ादी के बाद से अब तक अगर हम चीन के साथ संबंध देखें तो ऐसा क्या है कि जिसके आधार पर हम उसे रहस्यमय मानेंगे। 1962 में उसने दो मोर्चों पर हम पर जो हमला किया वह हमारे नेताओं के लिए चौंकाने वाला रहा होगा, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे भ्रम के शिकार थे। उसके बाद से 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी 22 दिन की जंग में चीन की उनके चुराए गए याक और भेड़ें लौटा दो की धमकी से लेकर इस साल लद्दाख सीमा पर उसकी तथाकथित चौंकाने वाली हरकतों तक भारत के मामले में चीन का हर कदम यही बताता है कि वह रहस्यमय तो बिल्कुल नहीं रहा है, बल्कि उसके हर कदम का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। नाथुला सिक्किम में 1967 में की गई चोट शायद भारत की प्रतिक्रिया देखने के लिए की गई थी। तब उसे लग रहा था कि 1962 और 1965 की लड़ाई अकालों अनाज के लिए विदेशी मदद पर निर्भर रहने, राजनीतिक अस्थिरता और इंदिरा गांधी का कद घटने से भारत अस्थिर हो गया होगा। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया उससे उसने सबक सीखा और 53 वर्षों तक शांत रहा। क्या इसे चीन के रहस्यमय होने का सबूत मानेंगे? नहीं, उसने हमारी जांच पड़ताल की और उसे करारा जवाब मिला। फिर अलग अलग समय पर विभिन्न तरीकों से गतिविधि करते हुए वह इंतजार करता रहा। 1960 के आसपास से अब तक के 6 दशकों में चीन भारत के साथ रिश्तों को मर्जी से चलाता रहा है। उसने 1962 तक वो हासिल कर लिया था जो चाहता था। सच्चाई यह है कि लद्दाख में सामरिक रूप से जरूरी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को छोड़कर उसने लगभग पूरा कब्जा कर लिया था। उसने पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में रहे अरुणाचल प्रदेश पर भी मालिकाना हक जताया, लेकिन सैन्य चुनौती नहीं दी। इस क्षेत्र और पूरी दुनिया में सत्ता समीकरण में बदलाव के आधार पर उसके तेवर बदलते रहे। 1986 से 1987 में जब उसने देखा कि राजीव गांधी ने रक्षा बजट को अभूतपूर्व रूप से जीडीपी का 4% कर दिया तो उसने फिर बांगदुंग सुमदोरंग चू अरुणाचल में हमें आजमाया। उसे फिर करारा जवाब मिला और वह पीछे हट गया। इससे फिर यह सबक मिला कि वह बेवजह गोलियां नहीं चलाएगा, तब तक नहीं जब तक उसे आसानी से जीतने का भरोसा ना हो। इससे पता चलता है कि उसकी हरकतों का अनुमान लगा सकते हैं। आज के संदर्भ में दो हस्तियों से हुई बातचीत प्रासंगिक लगती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि चीन भारत को हमेशा अस्थिर रखने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर है कि हम इस त्रिभुजन का तोड़ निकालें। उनका सुझाव यह था कि हम पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें, लेकिन आज पाकिस्तान से दुश्मनी मोदी भाजपा राजनीति का केंद्रीय तत्व बन गया है। यह पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से सुलह को तरजीह देगी। वैसे लक्ष्य त्रिभुजन से बचना ही है। दूसरी बात वाजपेयी के साथ हुई थी।